of the particular Facebook and other platform. So some of the basic entity we have to fulfill. कोई भी प्रोजेक्ट करने के पहले थोड़ा सा बेसिक आइडेंटिटी हम लोग को फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है ना? देन दैट इनिशिएटिव इज फ्रूटफुल. अगर एक सिंपल कोई प्रोजेक्ट करके और उसको एग्जीक्यूट करा देंगे तो वो आपका बेसिक आपका जो है ऑपरेशंस पूरा नहीं होगा जब तक कि आप ग्राउंड लेवल से सारा वर्कआउट नहीं करते हैं. तो माई एसक्यूएल इज ओके, वेरी वहाँ आप वर्कआउट कर सकते हैं डेटाबेस रिलेटेड. देन कोई आईडी पर वर्क करेंगे तो वर्क स्पेस और पैकेज कोऑर्डिनेशन आप कर सकते हैं सही से. बाकी जो टूल्स है, जो टूल्स यूज होगा यहाँ पर, उस टूल्स में कुछ पर्टिकुलर कंटेंट्स हम लोग अभी डिस्कस किए हैं. कुछ एटलीस्ट फंक्शंस मॉड्यूल और इसको जो न्यू जो आपका कॉन्सेप्ट है स्लाइस चैनल और कम्युनिकेशंस के लिए, ये थोड़ा सा वर्कआउट इस पर करना होगा. अगर सेल्फ कर लिए हैं तो अच्छी बात है, और एक दो क्लास का वेट करिए फिर हम लोग प्रोजेक्ट पर वर्क करेंगे, ठीक है? ओके सर. और बेसिक एंटिटी जो है वो फुलफिल करना है, तो माई एसक्यूएल आप कमांड कर लिए होंगे अगर, तो इसको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा ताकि डेटाबेस से रिलेटेड जो भी आपका ऑपरेशन होगा वहाँ. गेमिंग आप बना सकते हैं, गेमिंग कर का कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो वहाँ फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड काम होगा, ठीक है? तो यू कैन बिल्ड एनी गेम क्यूज, यू कैन जनरेट क्यूज ऑल्सो, ठीक है? आप क्यूज रिलेटेड गेम बनाइए, क्योंकि API और सर्वर बेस्ड में थोड़ा सा वर्कआउट अभी जरूरी है करना. API को डिजाइन करने के लिए, API मॉड्यूल पर वर्क करने के लिए API का कॉन्सेप्ट पहले आपको जानना होगा. तो API आई थिंक दैट यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट द API. .NET में भी आप कोडिंग कर पा रहे होंगे, .NET या पर्टिकुलर कोई और कोई जावा तो नहीं, जावा में तो API कोई और लैंग्वेज आपको अभी, ASP.NET Yes, sir, I don't think that is. Java है. तो API का कॉन्सेप्ट है आपके पास? Everyone? No, sir. No, sir. What is API? So Java में, in advanced Java, you have to discuss that API, application programming interface. ठीक है ना? तो list of APIs we have. So we also have a project based on API in Golang. ठीक है? So why I discuss this terminology? Because you just go through that particular contents related to that API, MySQL. I suggest you one ID, number of ID is there, but you can use the open source ID. For that, you do not have to pay anything, because if you design any project, so long term you have to utilize that project also. Then, if you are using open source, then zero maintenance is needed for that particular project. तो ओवरऑल ये सारे बातों को देखते हुए आप कोई भी थीम पर वर्क करेंगे तो करने के पहले ये सारा बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है? बाकी बेसिक्स आप जो प्रोजेक्ट करना चाहें तो गेम से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कोई गेम अगर आप ही सर. हाँ, till now we are using the console mode programming. So sir, for the applications like game, we need a certain sort of interface, like GUI sort of interface. So how can we do that, sir? That's why I am suggesting you, na, you have to install like VS Code. If you are installing VS Code, so we just, I just give you the how to generate the workspace, okay, na? And how to deploy the particular package, how to make it interoperable. कैसे आपका जो है नंबर ऑफ मॉड्यूल आपका इंटरऑपरेबल होगा, जैसे आप अभी भी .NET तो नहीं कर रहे, VB आप कर रहे होंगे. यस सर. तो VB में देयर इज अ डिप्लॉयमेंट विजार्ड, तो हियर आल्सो वी कैन डिप्लॉय आवर प्रोजेक्ट वंस वी डिजाइन द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. तो मेकिंग EXE, दैट इज बिल्डिंग ऑफ द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एंड द डिप्लॉयमेंट, बोथ आर डिफरेंट. लाइक जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते हैं, तो डेट इज अ पार्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट. तो इंस्टॉलेशन करने के बाद आपका जो है वो वर्केबल होता है. तो व्हेनेवर यू डिजाइन एनी सॉफ्टवेयर, एनी यू डिजाइन एनी प्रोजेक्ट और कंप्लीट एनी प्रोजेक्ट, देन दैट प्रोजेक्ट मस्ट बी डिप्लॉय टू एग्जीक्यूट एनीथिंग. तो जस्ट लाइक MS ऑफिस और एनी एप्लीकेशन, बिफोर एक्सेशन ऑफ दैट एप्लीकेशन यू नीड टू डिप्लॉय इट. तो इन VB ऑल्सो देर इज अ विजार्ड, ठीक है ना, डिप्लॉयमेंट विजार्ड.
So you can use VB deployment wizard to combine all the packages and database related to the all cap files related to your project. सारे प्रोजेक्ट को आप हाँ कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर भी उस लेवल पर पहले वर्कआउट करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास मॉड्यूल और बेसिक जो टूल्स है वो सारे का जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। तो व्हाट आई थिंक दैट कि अगर आप ज्यादा कुछ करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा अगर हम कुछ करते हैं उसके कंपेरेटिव, ठीक है ना। तो एक दो क्लास के बाद हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड ही टॉपिक्स स्टार्ट कर देंगे ताकि आप उस पर, उसके पहले क्या है कि आप VS कोड में वर्कआउट शुरू कर दीजिए जो जनरल प्रोग्रामिंग जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टेक्स्ट एडिटर ताकि उसका इफेक्ट समझ में आए, पहले तो ये समझना जरूरी है कि जो C++ में जो काम कर रहे थे उससे थोड़ा सा डिफर है, डिफर किस किस पॉइंट पर है, तो वो डिफरेंस पॉइंट हम लोग अभी समझ पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर आपका क्या क्या चीज डिफरेंट है इस लैंग्वेज में अर्लियर जो प्रोग्रामिंग की है उसके कंपेरेटिव, ताकि जब हम इसको यूज करना चाहें तो वो डिफरेंसेज हमको क्लियर रहे कि यहाँ यहाँ इस पॉइंट पर ये डिफरेंसेज है। इट ओके? यस सर। तो अब जैसे लास्ट क्लास हम लोग स्विच स्टेटमेंट यूज किए थे, नेक्स्ट वी यूज ए गो टू स्टेटमेंट, अगेन फर्दर वी हैव ए ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, बट हियर द ब्रेक एंड कंटिन्यू एक्ट्स डिफरेंटली। जो हमारा C++ में यूज करते हैं, वी आर यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट जस्ट टू सेपरेट केसेस अंडर स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर स्विच को केसेस को सेपरेट करने के लिए यूज होता है, बट नाउ व्हेनेवर यू आर यूजिंग गो ब्रेक स्टेटमेंट इन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, then it is directly move the control from the block of statement. Break से करने से क्या है कि आपका अगर continuation है तो वहां पर भी switch statement केस में break यूज करते थे ताकि आपका एक केस दूसरे केस के बीच में continuation नहीं हो। तो यहाँ पर क्या है कि continuation automatically आपका जो है break हो जाता है because internally justify होता है compiler के through, तो अलग से हमको स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने का जरूरत नहीं होता है। लेकिन जो कंटिन्यू और ब्रेक का जो ऑपरेशंस है जैसे हम लोग C++ में करते हैं तो वहां पर वहां के जैसा ही यहाँ काम करेगा। दूसरा कि जब भी हम लोग ये ब्रेक या कंटिन्यू यूज करेंगे तो लूप का कॉन्सेप्ट आएगा, इसलिए गो में ये सब जितने भी कंट्रोल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ब्रेक कंटिन्यू ऑल कम्स अंडर लूप, ठीक है। केवल फॉर लूप नहीं, ऑल आर द पार्ट ऑफ लूप, चाहे हम गो टू स्टेटमेंट यूज कर रहे थे, ब्रेक यूज कर रहे थे, तो गो टू तो आपका डिसीजन कंट्रोल है बट ब्रेक कंटिन्यू फॉर लूप ऑल कम्स अंडर लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, बिकॉज यहां पर भी आपका ब्रेक जो है डायरेक्टली कर्सर को मूव करता है वन लोकेशन से, यानी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से बाहर करता है। कंटिन्यू जो है कंटिन्यूएशन स्पेसिफिक कंडीशंस के समय को लेते हुए कंडीशन आपका स्टेटमेंट कंटिन्यू रहता है, ठीक है ना। तो बेसिक जो दोनों में डिफरेंस है यू जस्ट सी, आई थिंक दैट कि कोई एक अगर लैपटॉप से कनेक्टेड है तो जस्ट राइट एनी सिंपल प्रोग्राम इन गो टू डिफरेंशिएट दिस टू ब्रेक एंड कंटिन्यू इन द सेम प्रोग्राम। एनीवन रेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर सारे लोग जो है कॉपी पर लिखिए, जो सिस्टम से कनेक्टेड है वो लिखिए ताकि उसको शेयर कर सके, ठीक है ना। बेसिक डिफरेंस यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, उसको भी आप ले सकते हैं। लाइक यू हैव टू प्रिंट नंबर इन बिटवीन 1 to 10, ठीक है। तो इन ब्रेक, ठीक है ना, व्हेनेवर यू आर यूजिंग ब्रेक एंड व्हेनेवर यू आर यूजिंग कंटिन्यू व्हाट टाइप्स ऑफ इफेक्ट अकर on that particular display operation. So display करने में क्या differences आएगा, you can just show the break and continue statement in the same. So you can use a simple if statement or if else statement to check out the condition on the basis of which your break and continue work. Any example, same example you can take. Now again यहाँ पर आपको लूप लेना पड़ेगा, तो लूप आई थिंक दैट कि यू हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर लूप, तो यू जस्ट सी
there is a similar concept of for loop in Golang. Like expression 1, 2, 3, if you are using, so you can use in the same manner a for loop in Golang. Expression 1 is the initialization of counter, expression 2 is the condition validation, expression 3 is for modification of counter variable. So जैसे आप लेते थे सी सी प्लस प्लस में वैसे ही लेंगे जावा में जैसे लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इसको डिफरेंट वे में जैसे लिखते हैं कि एक्सप्रेशन को हम बाहर ले सकते हैं, वन को टू को और थ्री को दिखा सकते हैं, तो विदाउट पैरेंथेसिस यू कैन टेक द सेम. नाउ यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि एक्सप्रेशन 3 जहाँ पर क्लोज होगा एंड होगा उसके ठीक बाद आपका ओपनिंग ब्रैस होना चाहिए सेम लाइन में. अगर दूसरे लाइन में लेंगे एज लाइक सी सी प्लस प्लस और जावा, देन इट विल नॉट वर्क. तो यू हैव टू यूज सिंटेक्स. फॉर लूप का सिंटेक्स होगा जहां पर कंडीशन मॉडिफाइड होगा आपका काउंटर वेरिएबल, वहां से ही आपका कर्ली ब्रैस स्टार्ट होगा. आफ्टर दैट यू मेंशन एनी टाइप नंबर ऑफ स्टेटमेंट विद इन दिस फॉर लूप एंड टर्मिनेट इट विद अ क्लोज कर्ली ब्रैस. सिमिलरली यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ, जैसे फॉर आई इक्वल टू 1 to 10 के बीच में से 5 और 7 को जो है हमको चेकआउट करते हुए आगे बढ़ना है. तो अगर हम 5 और 7 को चेक करके और ब्रेक करते हैं तो व्हाट इज द इफेक्ट अकर ऑन योर सिस्टम. तो यू जस्ट चेक इट. आई थिंक ये हो गया होगा. यहाँ पर सिंपल जो चीज़ यहाँ पर मेंशन किए थे, अगर हम यहाँ आई व्हेन वी यूज आई इक्वल टू 5 और i = 7 एंड यूज ब्रेक हियर, देन व्हाट इज द इम्पैक्ट अकर द सी. यहाँ पर क्या हुआ, जब ब्रेक क्या किया कि डायरेक्ट कंट्रोल को बाहर कर दिया, यानी कि एट द मोमेंट व्हेन यू चेक द डेटा इन बिटवीन 1 टू 10 देन
whenever the particular condition arises, yani I equal to 5 या I equal to 7, जैसे ही राइज हुआ तो ये ब्रेक क्या किया आपका कंट्रोल को डायरेक्टली फॉर लूप से बाहर कर दिया, यानी कि ये फॉर लूप आपका है, फॉर लूप से बाहर हो गया। तो बाहर होने के बाद आपका क्या है कि जो है नेक्स्ट प्रिंटिंग आपका ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। तो सी, लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर हम यहाँ लॉजिकल एंड यूज करें देन व्हाट इज द इफेक्ट, एनीवन? लॉजिकल और की जगह अगर लॉजिकल एंड कर दे, इफ आई इक्वल टू 5 एंड आई इक्वल टू 7, देन वेदर योर ब्रेक स्टेटमेंट वर्क और नॉट? नो सर, इट विल नॉट वर्क बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू हैव बोथ कंडीशन एट अ टाइम। दैट मींस कि व्हेनेवर दिस वन इज देयर तो आउटकम इज 1 टू 10 सर। तो व्हाटएवर यू वांट टू प्रिंट एंटायर वैल्यू इज प्रिंटेड? यस सर। ओके, नाउ तो देयर इज अ पर्टिकुलर इंपैक्ट ऑफ दैट और नाउ व्हाट अबाउट दिस कंटिन्यू? We already use continue in C. It will work similar in this particular case. Now, यहाँ पर ये break और continue हम लोग discuss कर रहे हैं। इस break और continue का बहुत important है whenever you are handling several या nesting of the loops. Nesting of loops करेंगे on the basis of a specified conditions. Then any time you can move the control from the innermost the particular loop. तो इनर मोस्ट लूप से आप उसको बाहर निकालने के लिए कभी भी इसका यूज कर सकते हैं। वी आर राइट नाउ वी आर यूजिंग सिंपल फॉर लूप एंड कंडीशंस, बट व्हेनेवर यू प्लेस हियर कंटिन्यू नाउ व्हाट हैपेंड? 5 7 को स्किप कर देगा सर। दैट मींस 5 and 7 इज ओनली स्किप्ड हियर। In this case, only 5, 7 is skipped. Rest of the data will be printed. So that means 1, 2, 3, 4. After 4, 5, and after 6, 7 is discarded during printing job. So it will work similar to the particular C, C++. ठीक है ना? Where you can use this break and continue? Anyone? In whenever you are designing any project, what types of implementation, what types of use of this break and continue you think so? Sir, for several conditions, like if any condition arises and if you don't want to go for further or certain sort of a repetition sort of job, sir. Yes. So there we can use break and then also, sir. So it is more of a condition oriented statement, sir. So whenever we think that we are supposed to use both statements, we can, sir. That means whenever you are doing any project and in your project, there is several conditions on the basis of which you have to finalize the decision. So according to your desire or according to your requirement, you can switch the particular block of a statement directly by using break, as well as you can continue with the specified conditions, मतलब fulfillment of a specified condition through the continue statement. That means कि whatever logic or whatever query you are designing for the particular application. So these tools are used to giving you assistance whenever you are in the process to make a decision over that resource. So this resource या this particular ऑब्जेक्टिव के लिए वर्कआउट कर रहे हैं वहां पर कभी भी डिसीजन मेकिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो सपोज अगर हम इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट फर्दर टॉपिक एंड यू आर इन द प्रोसेस टू डिजाइन एनी प्रोजेक्ट, लाइक यू जस्ट हैव टू डिजाइन एनी क्विज रिलेटेड गेम, यू आई थिंक दैट इन सी ऑलरेडी यू डू दिस वर्क। सी में आपने बनाया होगा फाइल बेस्ड, तो यहाँ पर भी कुछ फाइल से रिलेटेड अगर वर्कआउट करके हम बनाना चाहें तो गोलैंग में ये चीज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट हमको आप जो है बेसिक्स ज्यादा बड़ा नहीं, कोई एक क्विज अरेंज करके क्विज डिजाइन करके, क्योंकि फंक्शन अभी बताएंगे तो यू कैन यूज द फंक्शन आल्सो टू कलेक्ट द पर्टिकुलर क्विज क्वेश्चंस और एनीथिंग। फर्दर वी टेक द डेटाबेस from where you hold all the questions and answers
ठीक है ना, जहां से आपका जो है क्वेरी बेस्ड आपका चेकिंग होगा कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट. सो आई थिंक दैट यू जस्ट इनिशिएट ईच एंड एवरी स्टूडेंट इनिशिएट गेम बेस्ड प्रोजेक्ट बन सकता है. सर प्लीज इलेबोरेट दैट प्रोजेक्ट लाइक हाउ वी कैन व्हाट इट हैज टू बी इंप्लीमेंटेड लाइक व्हाट शुड द प्रोजेक्ट कंटेन सर व्हाट एटलीस्ट यू डिजाइन फर्स्ट एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस. ठीक है ना, एज लाइक ए पोल वी हैव पोल सो व्हेनेवर वी जनरेट द पोल द आंसर कम्स इन डिफरेंट मैनर व्हाटएवर ऑप्शंस वी आर प्रोवाइडिंग टू द ऑडियंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑडियंस सो यू कैन ऑल्सो जनरेट पोल. ठीक है ना, सिंगल पोल भी आप जनरेट कर सकते हैं एंड द पोल लाइक इन जैसे वोटिंग के लिए है इलेक्शन के समय में है पोलिंग किया जाता है तो यू कैन जनरेट द पोल एंड द डेटा कम्स फ्रॉम डिफरेंट एंड. ठीक है, तो पोल के केस में तो वी नीड अ पर्टिकुलर टूल्स. हियर यू जस्ट टेक क्वेश्चंस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड the answers of that question is already available in the database you can say and that question answer will be matched from that particular database and once the particular jaise aapka general module mein dekhiye ki 25 questions ye sab ka benchmarking kiya jata hai na jaise different aapka jo platform hai Coursera simple learn simply learn yes sir ye benchmark karte hain aapko immediate certificate place out kar dete hain yes hai? तो उस तरह का आप क्विज अरे क्विज बेस्ड आपका बेंचमार्क जो है एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं. स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट बेस्ड हो सकता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो सकता है. ठीक है ना, अर्लियर आई जस्ट वांट टू शेयर विथ यू कि अर्लियर डेज योर आईआईटी स्पोकन ट्यूटोरियल इज अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द पर्टिकुलर साइट. ठीक है ना, जहां पर IITians क्या किए थे बेंचमार्किंग ओपन रखे थे और वो बेंचमार्क के लिए यूज करते थे, बाद में प्रोफेसर से कोलैबोरेट करके और इसको स्पोकन ट्यूटोरियल करके एक जो है ब्रांड नेम दे दिया गया, IIT से टाई अप कर दिया गया. ठीक है, तो अर्ली इन अर्ली डेज दे हैव द पर्टिकुलर सेटअप थ्रू विच एनीवन कैन बेंचमार्क देमसेल्फ फॉर ए स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी. किसी भी टेक्नोलॉजी में नेटवर्किंग एप्लीकेशंस किसी भी टेक्नोलॉजी में अपने को बेंच यानी कि चेकआउट करने के लिए वैलिडेट चेकआउट करने के लिए वेदर यू आर इफिशियंट इन दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और नॉट यू हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड वंस यू गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इमीडिएटली यू विल गेट द रिजल्ट एंड एज वेल एज द सर्टिफिकेट. ठीक है, तो यू कैन डिजाइन दैट सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑल्सो वेयर यू कैन बेंच मार्क एनी वन इन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी. तो सब्जेक्ट वाइज आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का है. अब ये सब्जेक्ट के लिए भी ऑप्शन आप डाल सकते हैं इन विच टेक्नोलॉजी यू वॉन्ट टू बेंच मार्क यूर सेल्फ. तो दैट इज द एडवांसमेंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट का एडवांसमेंट होगा. और इनिशियली आप एक कोई सब्जेक्ट का बेस बनाते हैं, फिर उसमें आप मर्ज कर सकते हैं सेवरल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड user get the privilege to select any subject or technology through for which they want to benchmark themselves. So 10 question 5 questions ka bhi aap generate kar sakte hain jisko aap baad mein enhance kiya ja sakta hai sir. To isme database connect karna padega. If you want to use database to put up the answers then you can use database, otherwise without database also. But whenever your project is कंटेनिंग मतलब लार्ज स्केल पर किसी वेब एप्लीकेशंस के थ्रू आप टाई अप करें, क्योंकि वेब एप्लीकेशंस में जैसे आप कोई अगर साइट डेवलप कर रहे हैं और वहां पर कोई ये ऑप्शंस डाल रहे हैं तो वहां पर ये चाहेंगे आपकी डेटाबेस में आपका इसका आंसरिंग रहे ताकि आपका आंसर मैच करना आसान हो, नहीं तो इंटायर कोड लिखना पड़ेगा आपको. यस सर, सारे क्विज के लिए कोड लिखना पड़ेगा. और ऐसे है कि आपका डेटाबेस में क्वेरी रहेगा यानी कि सब डायरेक्टली वहीं से फेच कर लेगा सर, क्वेश्चन आंसर दोनों रहेगा और वहां पर केवल क्वेरी लिखना होगा, जनरेट क्वेरी करना होगा ताकि आपका क्वेरी से मैच कर जाए कि जो यूजर ने आंसर दिया है वो आपका एग्जिस्टिंग डेटाबेस में जो आंसर उससे मैच करता है या नहीं. ये सिंपली यू सी द एग्जांपल ऑफ गूगल फॉर्म, दे आर आल्सो ट्रेसिंग द सेम. ठीक है,
गूगल फॉर्म से आप जब क्वेरी कोई क्विज डिजाइन करते हैं तो यू कैन टेक द असिस्टेंस फ्रॉम गूगल फॉर्म ऑल्सो. गूगल फॉर्म में ये क्या क्या सेटिंग्स है, क्या क्या टर्मोलॉजी है, यू जस्ट परफॉर्म R&D ओवर देयर. ठीक है, कि क्या क्या चीज आपको अगर सेल्फ का अगर कोई फॉर्म डिजाइन करना हो तो आप क्या क्या उसमें सेटिंग्स कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास जो है लिंक नेविगेशनल आपका जो है स्टेप होगा, वहां से आपको आइडिया मिल सकता है. व्हेनेवर यू वांट टू डिजाइन योर ओन, ठीक है ना, तो डेटाबेस से ये असिस्टेंस आपको मिलेगा कि यू हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ओवर देयर, यू कैन मेक इट. अब नाउ अगेन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सफलिंग, क्वेश्चन सफलिंग. तो व्हाट इज द टर्मोलॉजी यूज्ड व्हेनेवर द पर्टिकुलर डेटाबेस सफल टू एग्जीक्यूट द पर्टिकुलर सेशन. तो अगर आपके पास 100 क्वेश्चंस है तो 100 क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन बन सकता है किसी भी यूजर के लिए. तो उसके लिए सफलिंग करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, तो ए लॉट ऑफ न्यू एस्पेक्ट्स वी हैव, ठीक है ना. तो ये आप अगर डेटाबेस से रिलेटेड करना चाहेंगे तो डेटाबेस में मेंटेन करेंगे, वहां से क्वेरी जनरेट होगा, ठीक है ना. आप कैसे कोरिलेट करेंगे वो हम लोग टेक्निक समझेंगे, गोलैंग में MySQL से प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है. तो वहां से बस जैसे आप जावा और VB और .NET और ASP.NET में यूज करते हैं तो वहां से हम लोग क्वेरी बेस्ड आपका जो है क्रॉस चेक करेंगे. अगर सब जब सारा होगा तो इमीडिएटली वहां पर आपको क्या करेंगे, एक जो है फ्लैश में एक स्क्रीन सर्टिफिकेट डिजाइन करके वहां सर्टिफिकेट भी इशू कर सकते हैं, ठीक है, मेल भी कर सकते हैं. एवरीथिंग इज पॉसिबल, इमीडिएटली मेल भी हो जाएगा जो भी आप जिससे रजिस्टर्ड होगा, लॉगिन सेट भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, पासवर्ड बेस्ड भी लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं. तो देर आर सेवरल एग्जाम्पल्स प्रोजेक्ट यू कैन डिजाइन इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड यू विल गेट प्रॉपर टूल्स यानी कि टू डिजाइन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. तो ये सिंपल प्रोजेक्ट को अगर आप एडवांसमेंट की तरफ ले जाइएगा तो नंबर ऑफ आइडियाज आर देयर, बट यू हैव टू इम्प्लीमेंट वन बाई वन, ठीक है ना, एट ए टाइम सारे आइडिया को नहीं कर सकते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप अगर जाएंगे तो वहां पर आपको प्रॉपर असिस्टेंस मिलेगा. तो आई थिंक कि बेसिक्स के लिए, बिगनर के लिए आप ये काम शुरू कर सकते हैं अभी, ठीक है. एंड आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली सबके पास IDE होगा, तो IDE में वर्क स्पेस पैकेज ये सारा चीज बेसिक चीज जो है वो इंस्टॉलेशन के लिए ये सारा चीज में दिक्कत नहीं है. जहां पर दिक्कत आएगा उस मॉड्यूल में तो वर्कआउट आप शुरू करिएगा, उसके बाद आपके पास क्वेरी होगा, तब क्वेरी का सोल्यूशन निकाला जाएगा, ठीक है ना. तो इनिशियल ये प्रोजेक्ट पर आप काम शुरू कर सकते हैं और इसको आप अपने वेब एप्लीकेशन से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है. आप सब्जेक्ट वाइज आप उस तरह का जैसे ब्लॉग डिजाइन करते हैं तो ब्लॉगिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं. ये वहां पर केवल आपको टॉपिक और कंटेंट्स चेंज करना होगा, बाकी सारा चीज आपका एक के लिए जो काम करेंगे वो सब पर एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है ना. कंटेंट लेवल पर आपको केवल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा. तो इस पर वर्कआउट शुरू कर सकते हैं ना. यस सर. तो हमको इस वीक में कुछ बताइए कि क्या क्या आपने वर्कआउट किया है. ओके सर. कुछ उस पर वर्कआउट करके फिर हमको बताइए क्या क्या किए हैं और क्या क्या इसमें किया जा सकता है. यू ऑल्सो सजेस्ट something you want to explore and how you can explore the same. Now, इसलिए कि थोड़ा सा project, एक project के लिए number of aspects का जरूरत होगा, तो at least हम लोग को कम से कम basics जो है जो पहले से जानते हैं वो सब चीज तो ठीक है, लेकिन जो चीज यहाँ नया है उसको भी जानना जरूरी होगा. अदरवाइज क्या होगा कि वो हमारे पास वो tools होगा available, but we cannot access that tools. ठीक है, एंड इन एब्सेंस ऑफ दैट टूल्स आप उसके लिए ज्यादा कोडिंग करेंगे, ठीक है ना. जो कोडिंग अब मान लेते हैं कि एरे का कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास, तो आप वेरियस वेरिएबल को लेना शुरू कर देंगे सिमिलर टाइप्स ऑफ वर्क करने के लिए. सिंपल समझिए, अगर सी लैंग्वेज ही आप लिख रहे हैं कोडिंग और एरे का कॉन्सेप्ट नहीं है तो उस केस में आप 4-10 वेरिएबल का जरूरत होगा, 10 वेरिएबल सिमिलर टाइप्स का वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, काम तो वहां भी होगा
ठीक है ना, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा है, तो वहां पर भी आप ये चीज इसी चीज को देखते हैं कि आपका प्रॉब्लम यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज नॉट द टास्क, हाउ यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम दैट इज द मेन पार्ट। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन आप 5000 लाइन के भी कोड से एग्जीक्यूशन हो रहा है और वही कोड 500 लाइन से भी हो जा रहा है, तो ये 500 लाइन का जो कोड है ये ज्यादा इफिशियंट होगा। yes, अगर आप लॉन्ग कोई प्रोजेक्ट पर वर्क करेंगे तो ये ज्यादा इफिशियंस होगा, इसमें ज्यादा मैन पावर लगेगा। ठीक है, तो ओवरऑल कॉस्टिंग अगर निकालेंगे तो ये बेटर होगा कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर कोडिंग। तो दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कर लिए हैं तो अच्छी बात है, बाकी लोग अगर सारे टूल्स पढ़ लिए हैं तो आप इनिशियलाइज कर लीजिए प्रोजेक्ट, लेकिन अगर कुछ टूल्स अगर आपको अभी अंडर प्रोसेस है तो उस टूल्स को पहले हम लोग वो वर्कआउट कर लेना होगा। अब जैसे फंक्शंस का हमारे पास कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी, हम लोग जो है ये कॉल बाय वैल्यू, ठीक है ना, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस और रेफरेंस, ये सी प्लस प्लस में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट सी में भी है, कॉल बाय एड्रेस का कॉन्सेप्ट रेफरेंस के नाम से सी में है, यहाँ पर एक रेफरेंस नया आ गया, लेकिन इस सब में क्या है, सब में कॉमन पार्ट क्या है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा वेरिएबल एंड एड्रेस वेरिएबल, ठीक है ना, बिकॉज गोलैंग ऑल्सो सपोर्ट्स पॉइंटर, तो डेटा वेरिएबल एंड एड्रेस वेरिएबल कुछ बताएंगे व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। डेटा वेरिएबल कंटेन्स सम सर्टेन डेटा सर, जस्ट लाइक एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू और समथिंग लाइक दैट, व्हाइल एड्रेस वेरिएबल कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अ सर्टेन वेरिएबल। दैट मींस कि हम एड्रेस वेरिएबल को पॉइंटर वेरिएबल पॉइंटर कह सकते हैं। यस सर, पॉइंटर वेरिएबल भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो डेटा वेरिएबल एंड पॉइंटर वेरिएबल की इज द एड्रेस। तो डेटा वेरिएबल एज पर योर डेफिनेशन, डेटा वेरिएबल कीप्स द वैल्यू and pointer variable keeps the address of other variable address, so keeps value and address। now see कि जब आप C में पढ़ते हैं call by value तो you have a concept of formal and actual parameter and actual parameter। now the same concept we have here also, way of writing will be changed only, but there is some more features available in Go programming language which is not earlier in case of C, C++. So because in call by value as a formal and actual, agar hum log dekhen to actual or formal ka concept agar hai to call by value mein call by value, call by address and call by reference, अगर हम लोग इसको शॉर्ट में बोले कॉल बाय वैल्यू को सीबी सीए सीआर के फॉर्म में देखें तो कॉल बाय वैल्यू हमारा जो है वो बेसिकली एक्चुअल आर्गुमेंट में क्या यूज करता है। एनीवन सर, एक्चुअल आर्गुमेंट में जो वेरिएबल्स होते हैं उसको भेजते हैं सर हम लोग, यानी डेटा वेरिएबल। यस सर, एंड फॉर कीपिंग दिस डेटा वेरिएबल व्हाट अबाउट द वेरिएबल अंडर फॉर्मल। Sir, it contains the copy of the actual value, sir. It also contains the data variable, another data variable, you can say. And the data variable kept used as a actual parameter, he just give the copy to the formal one. यानी कि ये जो data variable actual parameter में आप लेते हैं, उसका एक copy आप formal parameter contains variable लिया हुआ वो लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग यूज करते हैं, सपोज अगर हम एक्चुअल पैरामीटर अगर हम यूज कर रहे हैं, सपोज इंटीजर m, तो फॉर्मल पैरामीटर में हम यूज कर सकते हैं इंटीजर m, क्या इंटीजर m और इंटीजर m बोथ आर सेम और एक्ट डिफरेंटली। एक्ट इट एक्ट्स डिफरेंटली सर, यहाँ स्कोप भी मैटर कर जाएगा सर। तो दिस इज द लोकल फॉर दिस एक्चुअल आर्गुमेंट एंड दिस इज लोकल फॉर दिस फॉर्मल आर्गुमेंट, देन देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ लोकल एंड ग्लोबल कांसेप्ट, लोकल ग्लोबल कांसेप्ट, टू कांसेप्ट अकर फ्रॉम दिस। तो लोकल वेरिएबल एंड
दैट्स व्हाई जब हम लोग इंट मेन एम लेते हैं या यहाँ पर लेंगे एम भैर एम इंट 32 तो या 16 तो ये इंट एम जब लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि इंट एम आपका जो है ये सिमिलर है, दोनों डिफरेंट है. दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इंट एम लेते हैं तो यहाँ पर इंट ए भी कुछ भी ले लेते हैं. ठीक है, तो कभी कभी क्या है कि ये दोनों सेम रहता है तो ये इट विल जनरेट कंफ्यूजन दैट बोथ आर सेम बट इट इज नॉट सेम. एज यू नो इन प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोथ एक्ट्स डिफरेंटली, हियर ऑल्सो बोथ एक्ट्स डिफरेंटली. नाउ इन केस ऑफ कॉल बाय एड्रेस, कॉल बाय एड्रेस के केस में क्या होता था योर एक्चुअल में सर एड्रेस बेस्ड है सर डेटा वेरिएबल का पैरामीटर इज पास्ड द एड्रेस फॉर्मल में पॉइंटर यूज करते हैं सर. सो बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट कि द डेटा वेरिएबल इज द कंटेनर ऑफ वैल्यू एंड पॉइंटर वेरिएबल इज द कंटेनर ऑफ एड्रेस तो योर एड्रेस व्हाटएवर एड्रेस सेंट थ्रू द एक्चुअल पैरामीटर इज केप्ट बाय एनी pointer variable. Pointer variable. Now, this is the concept in C++ as well as in C. Only the name will be changed. And in C, it is termed as call by reference. But in C++, it is renamed as call by address. Whenever we are passing address of data variable as a actual parameter. So because we are passing actual address of the data variable as a actual parameter, so to keep that address we need a pointer variable as a formal parameter. So yahan par ye concept hai. Now jo naya concept C++ mein aaya because it is highly affected aapka jo hai inspired go language is highly inspired by C++. So yahan par jo concept aaya call by reference ka, so call by reference is properly used in golang also continuously used as like a C++ programming language. तो यहां पर भी हम डेटा वेरिएबल ही देते हैं. नाउ सी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. हियर इन कॉल बाय वैल्यू वी आर यूजिंग डेटा वेरिएबल एज एन एक्चुअल आर्गुमेंट एंड इन कॉल बाय रेफरेंस अगेन वी आर यूजिंग डेटा वेरिएबल एज एन एक्चुअल पैरामीटर आर्गुमेंट. नाउ इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू टू रिटेन द कॉपी ऑफ दैट डेटा वेरिएबल we need another data variable in, as a formal parameter. But in call by reference, what is change occur, what type of change occur? Here we use reference variable. That means ये जो reference variable है, it is preceded with ampersand. Okay, so ampersand that is the address. So you think that it looks like a pointer, but it is not a pointer. So because the data variable is allocated to the reference variable, that means ये आपका किस तरह का काम कर रहा है? It works as an alias. Yes, sir. So that's why जो C का जो problem था कि multiple returning of value from a function is not possible. तो ये जो problem था, इस problem को ये call by reference से दूर कर दिया गया. यानी कि there is no need to use any return statement to returning multiple data variable. Multiple आपका जो है data को return करने के लिए no need to use a return statement now. Without using return statement, you can use reference variable to return more than one value at a time for different set of operation. अलग अलग काम के लिए, अलग अलग operations के लिए आप जो data use कर रहे हैं उसको as a reference आप return कर सकते हैं. यहाँ ध्यान देना ये कि actual always keeps the data variable as a parameter. In case of call by reference, so whenever you are passing parameter to as an actual parameter, so how you can differentiate which one is your parameter used for call by value and which one is used for call by reference?
So that is the difference occurring. Formal parameter, sir. You have to check out the formal one. E for which data variable, formal what types of formal parameter you are taking. So out of several data variable, because the data variable is used for call by value also and for call by reference. So for both call by value and call by reference, you are passing data variable as an actual argument. So you have to check out the formal function ka jo formal parameter hai, usko dekhna padega ki whether for which value you are taking data variable and for which value you are taking reference variable. So that is the particular. So basic jo theme hai aapka ye agar samajh clear hai to wo functions bhi aapko clear rahega. Isme kisi ko doubt hai, kisi tarah ka koi query? Sir, when we are using reference variable, so whenever certain operation has to be performed on reference variable, we have to precede that variable with ampersand. Yes, yes. So in on the place where you are using the definition part, yani you are performing writing the definition part of the function, that part contains the formal parameter and you have to take decision whether you want to use call by reference or call by value. So if you want to use call by reference to return multiple value at a time, then just precede the variable exist in the formal parameter with ampersand sign. So earlier we already discussed it in C++ programming, C++ programming. So same thing here also you can do. ठीक है ना, तो aliasing के लिए आप use कर सकते हैं. तो C++ में जैसे यूज कर रहे थे वैसे ही. बट बिफोर दैट व्हाट इफ यू आर राइटिंग गोलैंग प्रोग्राम, देयर इज अभी हम लोग फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, बट इफ देयर इज अ पर्टिकुलर फंक्शन, सिंगल फंक्शन, द नेम ऑफ दैट फंक्शन इज व्हाट? मेन सर. हाँ, तो कम से कम एटलीस्ट वन फंक्शन होगा. तो अगर कोई भी फंक्शन नहीं है तो मेन फंक्शन तो आपके प्रोग्राम में होगा ही. तो मेन फंक्शन, ठीक है, पहला आपका प्रोग्राम में होगा. अब ये मेन फंक्शन के अलावा कोई भी फंक्शन आप यूज करते हैं तो वो फिर आपका कितना तरह का होता है? यूजर डिफाइंड फंक्शन है. हाँ, ये दो तरह का होता है, एक बिल्ट इन और एक यूजर डिफाइंड. एक हो गया यूजर डिफाइंड. नाउ अगेन देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हाई, इफ देयर इज अ बिल्ट इन फंक्शन, व्हाट इज द नीड ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन? That built-in function cannot satisfy every need, sir. That is why we use the concept of user-defined function. अब यहाँ sometimes in some programming language ये जो function है, इस function को, because you already study QBasic also, so this function is also termed as method. Procedure. Java is termed as methods. Method, yes, sir. Okay. In QBasic, you just go through this one. Subroutine. Subroutine. And procedures. Okay. So all are same. जितना भी हम लोग यूज कर रहे हैं सब सेम है. सर, सब रूटीन एंड प्रोसीजर आर आल्सो सेम. यस, सब रूटीन एंड प्रोसीजर आर आल्सो सेम सर. हाँ, सेम सेम. ओके, दिस टर्मिनोलॉजी यूज टाइम टू टाइम इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर फंक्शन. तो सब रूटीन प्रोसीजर्स आर यूज फॉर फंक्शन. In behalf of function name, कोई भी function के behalf में subroutine और procedures उस program को बनाने वाले जो developer हैं वो इस नाम को use किए subroutine, because they treat entire program as a routine, ठीक है ना? Because they treat entire program as a routine, तो part of the code they treat as a subroutine, ठीक है? जैसे entire program आपका routine है अगर, तो उसमें जो भी part of ले रहे हैं. Now, what is the main aim? Aim of function? Sir, to get rid of code redundancy. Yes. To get rid of code redundancy, sir. हाँ. सबसे पहला चीज़ to avoid redundancy. Code readability, sir. And instruction. Sir, it also makes debugging easy. Yes. It also makes debugging easy, sir. To easily debug our programs.
because whenever we are thinking our program is decomposed in various module, various subroutine. So to debug your program, thinking several and the debugging your program with a collective modules. यानी एक बड़े प्रोग्राम में सारे मॉड्यूल्स को को बेस करके डिबग करना आपके लिए टफ होगा कंपेयर टू डिबग अ स्मॉलर मॉड्यूल फॉर विच. दूसरा क्या है, रिडंडेंसी फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर्स को हमको बार बार यूज करना है तो हम बार बार यूज करने से बचना चाहते हैं तो हम फंक्शन डिजाइन कर लेंगे और उसको नंबर ऑफ टाइम्स कॉल कर लेंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट. नाउ एज लाइक सीसी प्लस प्लस there is three factor declaration, ठीक है ना, declaration, then definition and then calling So declaration you already know as like any language like C++. yeah, here also we need to declare the particular function before use. अब यहाँ पर क्या है कि सर नेक्स्ट क्लास भी है. हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहे हैं? हाँ, तो डिक्लेरेशन दैट इज द प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन. अब यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि एज लाइक मेन फंक्शन इज प्रिसीडेड विद फंक कीवर्ड, एनी फंक्शन रिटन इन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज प्रिसीडेड विद फंक कीवर्ड. यू हैव टू प्लेस फंक बिफोर एनी फंक्शन name. Like in Python, they use as def. Is it def ka use karte hum log Python mein? हाँ, func function name, then data type जो भी आपका होगा, parameter first and then data type. Order इसका जो है reverse में है, तो func function name, then function name के बाद parameter if the particular function contains parameter. Then place that parameter within parenthesis, and then after end of the closing parenthesis, and after end of the parameter, you just give the return type of that function. So whatever returning value, you return value from that particular function. So in the same manner, definition that is the particular. अब यहाँ पे क्या है कि जहाँ पर आप इसका return type लिखेंगे वहीं से close करके open करके और फिर इसका डिफिनिशन स्टार्ट करेंगे, दैट इज द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट. ठीक है, तो डिफिनिशन एंड देन यू जस्ट स्टार्ट टू राइट द पर्टिकुलर कोड एंड इन बिटवीन प्रोसीजर्स व्हेनेवर यू नीड टू कॉल. तो कॉलिंग के समय में हमको डिसाइड करना होगा कि इन विच मैनर यू वांट टू कॉल द पर्टिकुलर फंक्शन. सर वी हैव आवर नेक्स्ट क्लास आल्सो सर, इट इज ओवर टू.